हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस टाइम मैं सुबह का जो है नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है और मैंने अपने लिए डाल लिया है। नाश्ते में है मूंग दाल और परांठा, और मूंग दाल और परांठे का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दाल के साथ परांठा खाना। आप भी कभी ज़रूर ट्राई करें या खाते होंगे। तो गाइस, मैं यहीं बैठ के जो है अपना नाश्ता करती हूँ और मुझे यहाँ पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और खिड़की से बिल्कुल मतलब रोशनी आती है। और तो गाइस, इस टाइम मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस तक। मुझे अपनी सासु मॉम का काम है, वहाँ सब पता करना है कि पेंशन आई हुई है या नहीं। तो गाइस, इस टाइम मैं अपने मम्मी और बहन का वेट कर रही हूँ और आने में थोड़ी सी देरी लगा रही हैं वो, तो मैं छाया में खड़ गई हूँ इधर। तो चलो, मैं आपको यहाँ का जो आसपास का जो व्यू है वही दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ से। तो गाइस देखिए, जो पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये हमारे घरों के जो बैक साइड से आगे को चलती हुई नज़र आती है। और सामने आपको जो है टूटा हुआ जो घर नज़र आ रहा है, ये जो है ये इसको सूरज कुंड बोलते हैं। और यहाँ पे अंदर जो है सूर्य मंदिर है, और मैं कभी भी अंदर जाऊँगी तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी यहाँ पर जाके। और ये मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ पर लोग जो है पूजा। तो गाइस, अब मैं पोस्ट ऑफिस से वापस आ गई हूँ, साथ में मेरी बहन है छोटी। आ ओला जरा कर अपनी छोटी बहन भी दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये है मेरी छोटी बहन। तो देखिए, मैं छोटी लग रही हूँ यहाँ पे, ये बड़ी लग रही है। तो गाइस, हम किसी काम के सिलसिले से गए थे, पोस्ट ऑफिस में भी गए थे और कहीं और काम भी था हमें, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। अदरवाइज टेंशन बढ़ गई हमारी, है ना। और टेंशन बढ़ गई, टेंशन ज़्यादा ही बढ़ गई। और देखिए आगे मेरी मम्मी जी। तो गाइस देखिए, अब हम जा रहे हैं घर को वापस। आगे जो है मेरी मम्मी जा रहे हैं, जिन्होंने छाता उठाया हुआ है। बहुत ही स्लो स्लो और धीमे धीमे चले हुए हैं, और मैं भी चली हूँ और साथ में मेरी बहन भी है। और देखिए जो गाइस, ये सूट है, ये मैंने खुद अपने आप सिला हुआ है, खुद स्टिच किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि मैंने कैसा सिला हुआ है ये सूट। तो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, छाया छाया से चले हम। तो गाइस, अब हम जो है घर पहुंच गए हैं और मैंने जो है अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और बालों को भी बना लिया है। और आज मैंने जरा नए स्टाइल से अपनी जो है हेयर स्टाइल बनाया है। तो आप मुझे बताएं कि मैंने हेयर स्टाइल कैसा बनाया है। मैं मैक्सिमम इस हेयर स्टाइल को बनाती हूं और ये हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस देखिए, बाहर जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम जो है एकदम ही अचानक से ख़राब हो गया। और देखिए, चलो अच्छा ही हुआ क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और जो है पौधों को भी अच्छी तरह से पानी मिल जाएगा। और मैं भी बारिश में बाहर आ गई हूँ और थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बाहर जो है ठंड में भीग रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है ओले गिर रहे हैं और जो हमारी टीम है, टीम के ऊपर टन 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 की आवाज़ जो आती है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर म्यूट नहीं करूँगी, मैं आपको टन टन की आवाज़ सुनाऊँगी। क्योंकि हमारे जो है छत में टीन है और टीन में जब ये पड़ती है तो इसकी आवाज़ जो इतनी गूंजती है ना, ये जो अच्छी भी लगती है और हमारे कान जो है पर्दे भी फट जाते हैं हमारे कानों की। तो देखिए इस तरह से कितनी बारिश हो रही है बाहर। तो गाइस देखिए, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ खेत। तो देखिए, बारिश के बाद जो है खेतों को पानी मिल गया है, क्यारियों को पानी मिल गया है और मतलब ये और भी हरी 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 भरी दिखाई दे रही हैं। तो बारिश हो गई है तो इससे मतलब बहुत ही अच्छा। तो गाइस, अब मैं चलती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।